खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। शासकीय कार्यालयों में 25 दिसंबर तथा 24 दिसंबर को अवकाश होने के कारण जिले भर के कार्यालयों में सुशासन की शपथ ली गई। चिंतनीय बात यह है कि क्या जिले में सुशासन की बात की जा सकती है, जहां कलेक्टर के नाक के नीचे बाबू रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं, जनपद सीओ गिरफ्तार हो रहे हैं, थाना प्रभारी से लेकर आरक्षक तक रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में कैसे सुशासन की बात की जा सकती है। दरअसल कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर मनोज पुष्प ने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि आम जनता को वंचित सेवाएं समय सीमा में उपलब्ध कराएं। सभी अधिकारी और कर्मचारी जन कल्याण की भावना से सौंपे गए उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें, आम जनता की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करें, साथ ही अपने कार्यालय के अभिलेखों को व्यवस्थित रखें, कार्यालय की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, सौंपे गए उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए निष्ठा और लगन के साथ कार्य करें, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विभागीय दायित्वों का निर्वहन करके जिले और प्रदेश के विकास में योगदान दें, सभी के सहयोग समन्वय और कठिन परिश्रम से ही सुशासन की स्थापना होगी, सुशासन के मापदंडों को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सलेन सिंह तथा कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जिले के विभिन्न कार्यालयों में भी सुशासन की शपथ ली गई। कृषि विभाग में सहायक संचालक प्रीति द्विवेदी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग में जिला संयोजक डीएस परिहार, सहकारिता विभाग में उपायुक्त अशोक शुक्ला ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। अब आप समझ सकते हैं कि हम शपथ तो लेते हैं, इसका पालन कितना करते हैं।